ठीक है अंकल, ओके। अबे यार ये भूपेश के पापा को फोन आया अभी, कह रहे हैं कि भूपेश आजकल थोड़ा अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। क्या हुआ भाई उसे? जब आएगा तब देख लेंगे। क्या हाल है भाई के? अरे भाई वो तेरे पापा का कॉल आया था। हाँ तो क्या हो गया, सुबह सुबह संडे के दिन सिर्फ तेरे बाप का ही फोन आ सकता है क्या? मुंह उठा के मेरा बाप नहीं कर सकता क्या? इतनी ऑफेंसिव बात कैसे कर सकता है तू? और तू मुझे आंखों से ऐसे कैसे देख रहा है? हैं कैसे देख रहा है तू मुझे ऐसे आंखों से? तू देख रहा है मुझे कि मुझे कैसे देख रहा है भाई? वो इतनी ऑफेंसिव बात कर दी है तूने, कितनी कम्युनिटीज को ऑफेंड करा है तूने अभी, पता है? ऑफेंसिव चीजें कर रहा है, ऑफेंड। अच्छा मतलब अब 2022 में एक इंसान के पास इतना राइट भी नहीं है कि वो अपना एक शब्द बना सके। पता है कितने लोग ऑफेंड करे तूने ये बात बोल के? फिर से देख रहा है, देखो। चिल भाई। चिल नहीं, भूपेश है मेरा नाम। पता है तूने कितना ज्यादा ऑफेंड कर दिया कितनी सारी कम्युनिटीज को 2022 में, किसी और का नाम किसी और के नाम से जोड़कर? हैं मतलब दुनिया इतनी आगे आ चुकी है और तुम बस लोगों को बस ऑफेंड करे जा रहे हो, हैं? मतलब ये नहीं कि तुम थोड़ी जिंदगी में दो तीन चीजें सीख लो और उन दो तीन चीजों से तुम लोग को ऑफेंड ना करो, लेकिन ये देखो कितनी ऑफेंसिव बात कर रहे हो तुम अभी कॉन्वर्सेशन के बीच में से उठ के जाके। अब भाई तू मेरी बात सुन, आज इतना ऑफेंडेड क्यों है? भाई तू मेरे से तो वैसे पूछ रहा है जैसे कि मैं रोज ऑफेंड होता हूँ। अरे भाई मुझे क्या पता उसे नींद नहीं आ रही होगी इसलिए ऑफेंड हो रहा होगा। हाँ ये आइडिया तूने सही दिया है, ऐसा ही कुछ हुआ हो सकता है। चल एक काम करते हैं, हम कुछ कोशिश करते हैं ताकि इसको नींद ले। लेकिन मेरे कहने का मतलब, अरे चल 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 करते हैं, इंटरनेट पर बहुत कुछ सामान इस चीज से रिलेटेड। उन्हें क्या पता था कि वो शेर के मुंह में हाथ दे रहे हैं। तो भाई देख, मैंने गूगल पे बहुत सारी टिप्स देखी थी कि कैसे तुम सो सकते हो, और गूगल पे जो पहली टिप आई है वो है कि सोने से पहले पॉजिटिव थॉट सोचते हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हम भूपेश के पास जाएंगे। तुम भूपेश के पास जाके कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव थॉट सोचने। लेकिन भाई इसमें उससे क्या होगा, उसे नींद आ जाएगी, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? चल 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 आ जा, ये थोड़ी बात। अरे चल 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 जल्दी करके आते, बड़ा मजा आएगा। क्या कर रहा है ये? तू देख रहा है ना कितनी कम्युनिटीज को ऑफेंड कर रहा है ये इस वक्त? कोई अंदाजा है इसको इस चीज का? देख भाई पहली ट्रिक तो फेल हो गई, अब दूसरी ट्रिक जो मैंने देखी थी उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ रीड करो, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम भूपेश के पास जाएंगे तो हम रीड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दो तीन चीजें पढ़नी है और उससे उसको नींद आ जाएगी, ठीक है? भाई रीडिंग का मतलब, अरे चलना यार दोस्त की हेल्प करने का तुझे, चल चल। आना ही नहीं चाहिए था मुझे। देख भूपेश भाई मुझे पता है आज तो काफी ज्यादा परेशान है, ठीक है? लेकिन तेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, ठीक है? अब मैं तुझे कुछ पढ़ के सुनाने वाला हूँ, ठीक है? आई नो तू थोड़ा परेशान है लेकिन ये सुनने के बाद मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ तुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। भाई देख टेक्स्ट थोड़ा पुराना है, ठीक है? लेकिन तुझे जरूर हेल्प मिलेगी इसको सुनकर, ठीक है? सुन,
नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। 12 अगस्त 2018 को नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था और सबको बोला था कि वो सूरज की सतह को छूकर देखना चाहते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और थी। जिस समय ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था उस समय नासा के वैज्ञानिकों ने उसके अंदर एक डब्बा रख दिया था। उस डब्बे के अंदर एक बीड़ी रखी हुई थी। वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि सूरज उस बीड़ी को जलाएगा कि नहीं, और जब सूरज की किरणें उस बीड़ी तक पहुंची वो बीड़ी जल गई और नासा ने बीड़ी मिशन में सफल होकर इतिहास रच दिया। हेल्प मिली। अच्छा देख, सुन, एक और है मेरे पास, ठीक है, एक और है, तू टेंशन मत ले, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, ध्यान से सुनियो, ओके? अच्छा, आजकल के नल्ले बेरोजगार छबरी और भिखमंगे और चप्पल चोर लड़के बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों के सामने रेस्टोरेंट में मंचूरियन ऑर्डर करते हैं ताकि उन लड़कियों को ये लगे कि ये कोई कोठी बंगले वाले लड़के हैं। धन्यवाद। देख भाई, अब हमारी वॉल ट्रिक तो काम आई नहीं, ये फाइनल ट्रिक है जो जरूर काम आई। इसमें इसने बोला है वॉच व्हाट यू ईट, इसमें लिखा है वॉच व्हाट यू ईट, इसका मतलब हुआ हम उस खाने को देखेंगे जो हमें खाना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, भेलपूड़ी बनाता हूँ और हम क्या करेंगे, बस बैठ कर उसको देखेंगे और इससे 100% नींद आ जाएगी भूपेश को, ठीक है। लेकिन भाई इसमें यह थोड़ी बात, अरे चलना क्या होता है दोस्त के, इतनी करनी, चल चल चल। देख भाई, ये रही भेलपूड़ी, ठीक है, अब हमें इसको खाना नहीं है, समझ रहे मेरी बात, हमें इसको खाना नहीं है, बस देखना है। इस सुन, इससे क्या होगा, भूपेश को नींद आ जाएगी, ठीक है, इसको नींद आ जाएगी, हमारा प्लान सक्सेसफुल, ठीक है। आया, अरे बड्डे बॉय, आजा 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 आजा। देख मुझे पता है तुझे बहुत देर से नींद नहीं आ रही, अब हमें क्या करना है, इस भेलपूड़ी को देखना है, सिर्फ देखेंगे इसको, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसको देखेंगे तुझे जरूर नींद आ जाएगी, ठीक है, ध्यान से देख इसको, बस भाई बस, बहुत गुस्सा दिला दिया तुम लोगों ने, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ, मुझे ऑफेंड करे जा रहे हो, ऑफेंड करे जा रहे हो, ऑफेंड करे जा रहे हो, एक आदमी का नॉर्मली दिन खराब नहीं जा सकता क्या हैं? इतनी देर से देख रहा हूँ तुम मुझे और कितनी कम्युनिटीज को ऑफेंड करे जा रहे हो। हाँ नहीं तो बेटे, दोस्त समझ के छोड़ रहा था तुमको, दोस्त समझ के कुछ नहीं कह रहा था मैं तुम्हें, अब देखो तुमने कुछ छोड़ा नहीं है रास्ता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने दोस्त सम, एक सेकेंड ना, कॉल आ रहा है, अरे ये क्या, हमें आज तक नहीं पता चला था कि भूपेश असल में ऑफेंड क्यों आ था, लेकिन हमने एक चीज जरूर डिसाइड कर ली थी कि भूपेश को कभी भी ऑफेंड होने के टाइम पे छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी गलती थी। एनीवेज, वीडियो बस एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए थी, तो कोई भी ऑफेंड मत होना इसको लेके, और एक कैमरा बंद कर यार।